यार अभी हम सुबह उठ चुके हैं। अभी सुबह के यार 9 बज रहे हैं, क्योंकि यार रात थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फटाक से मुंह धो के फ्रेश होके आते हैं। तो पहले निकालते हैं यार अपना टूथपेस्ट और गाइस ये रहा डाबर रेड पेस्ट, जो कि ख़त्म होने वाला है लगभग, और ये हमारा ब्रश। तो बाकी ख़त्म होते हम कल लाएंगे। फिलहाल अभी हम वो धो के फ्रेश होके आते हैं, फिर यार कुछ चाय वाय पियेंगे और गाइस आगे का ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं मुँह धो के बाद। हम आ चुके हैं मुँह धो धो के, अब चलते हैं ऊपर की साइड में, दिखाते हैं आपको यार आज का मौसम। और यार आज भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो ऊपर आ चुके हैं छत पे, ये देख लो हमारा गेट, इसे खोलेंगे। खुल गया, आ जाओ, देख लो देख लो। ठंडी आज भी बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं गाइस। आप लोग के लिए लाता हूँ यार ऊपर छत पे डेली, देख लो ठंडी बहुत ज़्यादा इधर भी। सो आप लोग बताना आपके इधर ठंड है नहीं है। अभी चलते हैं नीचे चाय वाय के लिए, चाय पानी पी के आएंगे, फिर यार कुछ खाना वाने का बंदोबस्त करेंगे। तो अपन लोग पहले गेट लगा देते हैं, क्या है ना पीछे काम चल रहा तो गेट लगाना जरूरी है। तो चलते हैं नीचे और कुछ चाय वाय बनाते हैं। हमने पानी चढ़ा दिया है, आज चाय बनने वाली है। थोड़े बड़े भगोने में शक्कर डाल दिया और तो चीनी, चाय पत्ती, इसमें अदरक और गाइस फिर वो डालना पड़ेगा काली मिर्च, तो उसे भी डालते हैं। देखो यार इसमें डाल देंगे यार, ये देखो काली मिर्च और ये देखो अदरक डाल दिया। अब इसे यार छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, देखते हैं थोड़ी देर में होएगा तो दिखाएंगे आपको, फिर बाकी पी के बताएंगे कैसा लग रहा है। तो ये देखो हमारी चाय तो लगभग हो चुकी है, बस इसे निकालना बाकी है। बाकी हमारी चाय तैयार है तो इसे निकालते हैं और टेस्ट बताते हैं पी के कैसा है। तो ये देखो यार ब्लैक टी, खांसी बहुत है, इसे पीना ज़रूरी है। तो आप लोग भी खांसी में ट्राई कर सकते हो इसे। आज अभी शांति है तो आप लोग ट्राई करो, डेली या बेनिफिट के लिए सही है। टेस्ट भी मस्त आ रहा है। तो आप लोग यार चैनल को सपोर्ट करो यार, एक लाइक एक सब्सक्राइब प्लीज़। फिर यहाँ मिलते हैं खाने वाले ब्लॉग। तो फाइनली अभी बनाने वाले हैं यार वेज वेज पुलाव। तो ये देखो यार इसमें ऑयल डाल देते हैं पहले से कुकर में, आपको आज पूरी रेसिपी दिखाता हूँ वेज पुलाव। तो देखो इसमें ऑयल आ गया, इसमें देखो यार अभी प्याज व्याज काट के डालेंगे और जीरा, देखो प्याज व्याज रख रखी है। तो फाइनली काटते हैं फिर डालते हैं डालने वाले हैं, देख लो यार पहले तो जीरा डालते हैं। ये जीरा आ गया और इसमें गाइस डाल देंगे ये देखो प्याज और हरी मिर्च, इसे भी डाल दिया और इसे अच्छे से मिलाएंगे, फिर यार और आगे क्या दिखाएंगे। अब इसे से पहले मिलाते हैं, ये देख लो तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करना, अच्छे से मिला लिया इसे। इसमें आज चाय पत्ता डाल देंगे, ये देख लो ये भी डालना ज़रूरी है गाइस, आप लोग जरूर से डालना, इससे यार टेस्ट और ज़्यादा आता है। अच्छे से मिलाएंगे, लाल होने देंगे, फिर देखते हैं आगे। हमारी प्याज हो चुकी है लगभग लाल, देख लो इसमें डाल देंगे ये आलू, जो कि यार कुछ इस शेप में काटने आलू को देखो, इतना मोटा मोटा तो होना चाहिए क्योंकि यार ये कुकर है, कुकर में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, बिल्कुल टेस्टी वाला वेज बिरयानी बनेगा, वेज पुलाव जो भी है। तो आपको दिखाने वाला हूँ पूरी रेसिपी। अब इसमें डालेंगे मसाले, पहले से लाल होने देते आलू को भी, ये आगे हमारे मसाले। तो पहले मसाले को इन कटोरे में डालते हैं, फिर यार आपको दिखाएंगे आगे की क्या रेसिपी वाली है। हल्दी आगे पहले तो इसमें हल्दी इतनी देनी है, फिर यहाँ इसमें मिर्च डालेंगे, मिर्च भी यार ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, अपने अनुसार मिर्च आ गई। अब इसमें यार फिर क्या धनिया आएगा तो धनिया भी ले लेते हैं, ये देखो अब इसमें डाल देंगे यार धनिया, धनिया भी यार अपने हिसाब से डालना ज़्यादा नहीं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो पानी ले लिया, बस अपने हिसाब से डालना इतना बहुत है। अब इसे यार मिला लेंगे, फिर मिला के इसे डाल देंगे इसके अंदर, और ये तक आलू यार लगभग लाल हो चुके हैं हमारे आलू। फिर इसमें यार मसाले आएंगे, तो ये देख लो आलू हो चुके हैं लाल, अब आलू हो चुके हैं लाल। अब देखो इसमें मिला लेते हैं पहले मसाले को, ये देखो मसाले को ऐसे मिला लेना है। अब इसे उठाओ और यार पूरा डाल दो इसमें, ये देखो ऐसे अच्छे से मिला लो। अब 5 मिनट के लिए पूरा सूख जाए मसाला, तब तक के लिए ऐसे ही रहने दो। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर जो कि यार हमने काट रखे हैं ये,
तो देखो भाई टमाटर डाल दिए, इसे भी मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है कुल, और फिर इसमें नमक डाल देना यार। आ गया नमक, टाटा नमक, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर छोड़ देंगे लाल होने के लिए, जब तक पूरे मसाला सूख जाता है, जब तक ये फिर चावल वावल धोते हैं धो लेंगे। हो चुके मसाले ये देखो लाल, इसको भूंज के अब इसमें डाल देंगे देखो चावल। चावल आप कोई सा भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, मैं तो अपने हिसाब से अपना वाला डालता हूँ। इसे यार देखो पहले अच्छे से मिला लो, फिर इसमें थोड़ा और पानी आएगा। तो देखो पहले तो ये पानी डाल देते मसाले वाला बचा हुआ था, फिर इसमें एक्स्ट्रा देखो इतना पानी आ जाएगा। पानी अपने हिसाब से डालना पड़ेगा, एक गिलास डाल सकते हो वैसे आप, पर दो गिलास में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो देखो पानी डाल दिया, और बस इसमें गरम मसाला डाल के इसे कुकर को बंद करना है। देखो इसमें बस गरम मसाला डाल देंगे। ओ यार गरम मसाला तो नहीं है, पर ये है, इसी से काम चलाएंगे मीट मसाले से। बस इतना डालना है नाम मात। फिर यार इसे अच्छे से ये देखो मिला दो। अब कुकर को कर देना बंद, और तीन सीटी में उतारना है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, तीन सीटी से ज़्यादा नहीं। तब इसे बंद कर देते हैं। हमने कुकर को लगभग बंद कर दिया है, अब इसे सीटी लगने का इंतज़ार करेंगे, तीन सीटी के बाद मिलते हैं। तो फाइनली यार हमारे चावल हो चुके हैं बन के तैयार। अब इसे यार देखो खा के बताऊँगा आपको क्या ही टेस्ट है, देख लो लाजवाब, बहुत ज़्यादा गर्म है और टेस्ट मस्त है बहुत ही ज़्यादा। तो रेसिपी आप लोगों को बता दी, आप लोग ट्राई करना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय। यार अभी जाने वाले स्कूल, अभी यार 12 PM हो रहे हैं, तो 12:30 का स्कूल है, तो आई थिंक जाने में आधे घंटे लग जाएंगे। तो हमने लिए दो मोटे मोटे केले, और गाइस शाम को आके मिलेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके तहलका मचा देना। तो यार रात के 8-10 बजने वाले हैं, तो अभी हम सोने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना और गाइस यार शेयर करना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर से कर देना। आज हमने वैसे रात को कुछ खाया नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।